तो यस वी आर बैक विद द सेमीफाइनल नंबर टू सो यस इंद्रेश भाई वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद द सेकंड सेमीफाइनल मुंबई सह महाराष्ट्र वर्सेस तो पहला ज बॉले प्रहार पण कोई रन नहीं डॉट बॉल साथे शुरुआत सेमीफाइनल नंबर टू मुंबई सह महाराष्ट्र वर्सेस वर्सेस विदर्भ मध्य भारत विभाग टॉस जीतीने पहला फील्डिंग नो निर्णय लीधो छे मुंबई रूम क्रिएट करियो अने पहलो जो चौको लॉन्ग ऑफ द बाउंड्री लाइन बार चार रन चौका साथे शुरुआत करी छे विदर्भ फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम विदर्भ चार रन आउटसाइड एज लागीने बॉल गई छे थर्ड मैन ना रीजन मा चार रन एक चांस क्रिएट थयो हतो बट बॉल नी गति एटली हती के बॉल बैट्समैन ना एज लागीने विकेट कीपर ने बीट करीने थर्ड मैन रीजन नी बहार निकली गई हती चार रन माटे अने स्कोर टीम विदर्भनो आठ रन फरी एक वार हल्का थती रमीने दौड़ी पड्या हता ज्यां सुधी फील्ड टाइम मिड ऑफ ना रीजन मां बने जे बैट्समैने पोताना छोड़ बदलता नौ रन પેલી ઓવર લઈને આવે છે ટીમ મુંબઈ માટે જય સચદેવ તો એક સારી એવી શરૂઆત ફરી એક વાર ટાઈમિંગ સાથે ડ્રાઈવ કરો કોઈ ચાન્સ નહીં બોલ લઈ જે બાઉન્ડ્રી લાઈન ની બહાર ચાર રન जी हाँ यहाँ पर देखने मिलेगा किस में कितना है दम और इस चौकी के साथ टीम विदर्भ का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन अने खूब ज सरस एवो टाइमिंग वाड़ शॉट एक्स्ट्रा कवर्स ना रीजन में चार रन माटे तो बने जे बैट्समैन पहली ओवर में मोटा प्रहार साथे शुरुआत थई छे टीम विदर्भ ने Nicely come back by Jai Sachdev. A sensible bowling, allowing batsman to play the shot. So finally, end of the first over, score reach of 13. A sensible start from Vidarbha's Madhya Bharat. And after all, a 10 limited over match up to the task and the summary. Mumbai Maharashtra won a toss, selected for field first. Here comes the quick bowler for Mumbai Maharashtra. We talk about Jay Chandarana.
It's a much quicker delivery often is to bowl, you know. I know this guy very personally. He often is to bowl very much fast. So let's see what the Lionel Land talks about. और चंदे जहां तक मुंबई ने टॉस जीता था और स्वयं फील्डिंग के लिए खुद को रखा और वहां पर बल्लेबाजी के लिए विदर्भ को दावत दी है और जिस तरीके से मैच का जो शुरुआत जो जंग है शुरुआती जंग की बात करें तो एक सुंदर नज़ाकत फिलहाल और मुंबई की जो एक ट्रेडमार्क है जीत का ट्रेडमार्क उनके अनुसंधान में गेम शुरू हो चुकी है लेकिन विदर्भ इस साल कुछ नया कर दिखाने की सोच के साथ ये लीजिए पटकी हुई गेंद ऐसा लग रहा था कि इस गेंद के सहारे कुछ घटना हो सकती है लेकिन वो घटना को दूर रखा जाए अच्छी गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा और फील्डिंग की सजावट और जमावट देखिए आप जैसे एक बेहद प्रशंसनीय तरीके से सजावट है एक ऑस्ट्रेलियन खेमा जमा दिया हो या कश्मीर घाटी में 370 की कलम को हटा दिया हो और बीएसएफ जवानों को तैनात कर दिया हो ऐसा माहौल रच दिया है अवश्य तौर पर यस अटैकिंग फील्ड सेट साथ शुरुआत करी छे मुंबई ना तमाम फील्डरो ए अने दाब देश कैप्टन ने कैंक फरी एक बार पहली बार कैंक जोवा मळ्यु छे के टॉस जीतीने पहला फील्डिंग नो निर्णय लीधो छे मुंबई ए અને સ્કોર ચૌદ રન તો એક જે આપણે કહીએ કે સારી એવી શરૂઆત મળે ટીમને તો મોટા સ્કોર સેટ કરી શકે પિછલી મેચ યાની કે ગઈ મેચમાં અમને દેખા હતા ગુજરાત ઓર સૌરાષ્ટ્ર કે બીચ જો કાંટે ભરી ટક્કર હોય હતી અંત સમયમાં ઓર મેં અવશ્ય શેર કરના ચાહુંગા કે આજ જો હુઆ હૈ વો ઇસ ટુર્નામેન્ટ કા હાઈએસ્ટ સ્કોર બનાયા હૈ સૌરાષ્ટ્ર ને काबिले तारीफ करनी होगी आज की तारीख में सौराष्ट्र की और यहाँ पर अब विदर्भ की बात की जाए तो मैंने कहा था ऐसा टेम्परेचर वाला वो एक प्रांत है अवश्य जिक्र करूंगा इस गेंद के बाद सागर पर एक बार ड्राइव करी हो तो मिड ऑफ ना रीजन में एक रन माटे अने स्कोर वतो टीम विदर्भ नो 15 रन जी हाँ अब समर जैसे शुरुआत हो चुकी है और जैसे तापमान का पारा ऊंचा होता है तो चंद्रपुर और नागपुर का इलाका एक ऐसा इलाका होता है जहां पर टेम्परेचर 49 डिग्री के आसपास हो जाती है और कभी कभी 50 के आसपास भी होती है चंद्रपुर इलाके में पर एक बार पुल करवाना प्रयत्न और फिर से एक बार एक अच्छी कोशिश वहां पर और देखा जाए तो मुकम्मल सारल ખૂબ જ સરસ એવો શોટ બટ આઉટસાઇડ એજ લાગીને બોલ ગઈ હતી ફાઇન લેગના રિજનમાં બોલ હવામાં જરૂર હતી પણ ચાન્સ નહોતો ક્યાંય અને સ્કોર જઈ પહોંચે છે 4 રનની મદદથી 19 રન મારી કહીએ દૂસરા ઓવર જારી છે ફરી એકવાર ખૂબ જ સરસ એવી ડિલિવરી શોર્ટ પિચ પટકી હોય ગેંદ જેને આપણે કહીએ એલિવેશન નહોતું બાઉન્સ નહોતું અને ઠીક આઉટસાઇડ એજ ઇનસાઇડ એજની બાજુમાંથી બોલ નીકળી હતી વિકેટ કીપરના હાથમાં ડોટ બોલ સ્વાગત કર્યું છે બાઉન્સર્સ સાથે આ ઓવરમાં પણ કંઈક એક ચોકો સામેલ છે ટીમ વિદર્ભ માટે ફરી એકવાર ઇન સ્વિંગર રાઇટ હેન્ડ બેટ્સમેન માટે બાઉન્સર્સ અને શોર્ટ પિચ બોલ સાથે ડીલ કરી રહ્યા છે લેગ બાયઝના સાથે સ્કોર આગળ વધતો ટીમ વિદર્ભનો 2 ઓવરની સમાપ્તિ 20 રન વગર કોઈ વિકેટના નુકસાને ઓર બાતો હી બાતો મેં યહાં પર ઓવર કી ભી સમાપ્તિ હો ચુકી હૈ દોસ્ત 2 ઓવર કી સમાપ્તિ કે પશ્ચાત 20 રન जैसे विदर्भ का पहला मैच हुआ था तब भी यही हालात थे वहां पर और ये सेमीफाइनल जंग में भी वही हालात है कहीं ना कहीं एक अच्छी राह के साथ अच्छी दिशा के साथ क्रिकेट आगे बढ़ता हुआ
और विदर्भ की बात मैं इसलिए करना चाहूंगा कि विदर्भ हर साल कांटों की टक्कर के साथ खेलती है, लेकिन इस साल ऐसा मौका मिला है जैसे राम लखन के साथ खेलने का मौका मिला है। मुंबई की टीम के सामने आज महाराष्ट्र की एक और टीम टकराती हुई और विदर्भ सह महाराष्ट्र। અને ત્રીજી ઓવર લઈને આવે છે સિદ્ધાર્થ કુટક। બહુ સારે એસે મહિલા સદસ્યગણ હૈ જો ઇસ મેચ કા જાયજા લે રહે હૈ ઓર ગઝીબો મે જો વહાં પર બેઠે બેઠે મેચ કા લુફ્ત ઉઠાતે હુએ। ડ્રાઇવ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, કનેક્ટ નહોતો થયો, બટ બોલ ગઈ હતી મિડ ઓફ ના રીજન માં, એક રન માટે સ્કોર 21 રન। અને ક્યાંક હવે પ્રયત્ન કરશે બંને જ બેટ્સમેન એક સેટ થઈને પાર્ટનરશિપ કરીને એક મોટો સ્કોર, એક પાર સ્કોર જેને આપણે કહીએ, જે ગઈ મેચમાં જ કર્યો હતો સૌરાષ્ટ્રના બેટ્સમેનોએ। અને ચિરાગ માઇન્ડ બ્લોઈંગ ઇનિંગ્સ। જી હા, ચિરાગ તો આજ કે અભી તક કે હીરો હૈ। આ ટુર્નામેન્ટની ફર્સ્ટ હાફ સેન્ચુરી એમના બેટથી નીકળી હતી ચિરાગ, જિનમે 8 ચોકે ઓર 3 સિક્સર શાયદ વહાં પર જડે થે ઉન્હોને। लेकिन फिलहाल मुंबई का यहां पर गेंदबाजी का दबदबा और उसका सामना करते हुए बल्लेबाज। ऑस्टम से काफी बाहर और एम्पायर के दोनों हाथ समांतर, दो बल्लेबाजों के साथ अब तीसरा बल्लेबाज एक्टिव होता हुआ। जी हां, पर्दे के पीछे का किरदार जिसे हम कहते हैं, ऐसा किरदार जो मिस्टर एक्स्ट्रा है। सुंदर फील्डिंग का नजारा वहां पर और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। जहां तक इस मैच की बात करें तो ये दूसरा सेमीफाइनल जंग और आज के दिन की बात करें दूसरे सेमीफाइनल जंग के पश्चात एक ग्रैंड फिनाले होगा और ग्रैंड फिनाले यानी 2020 का वो सरताज कौन बनेगा। जी हाँ, फिलहाल तीन टीमें ऐसी है जिनमें से एक के खेमे में हो ताज जाएगा, सौराष्ट्र है या विदर्भ है या मुंबई की टीम है, लेकिन तय हो जाएगा शाम को वो भी। और एक बार ब्लॉक होल डिलीवरी थी अंतिम क्षणों में, आपने कही है कि छेल्ला क्षण हल्का तो थी रमी ने दौड़ी पड़ा था, बने जो बैट्समैन ने फील्ड थी थी मिड ऑफ ना रीजन में एक रन माटे अने स्कोर जी पहुंचो छे विदर्भ नो 23 रन। और ब्लॉक होल में डालने की कोशिश की जा रही है गेंदबाज के द्वारा। फरी एक बार पिच थाने बॉल बाउंस न होतो थियो, नीचे रही थी, એટલે કે આ પિચ ની હજી મિજાજ કઈક નટખટ રીતે ચાલી રહી છે, ક્યારેક અનિવન બાઉન્સ જોવા મળે છે તો ક્યારેક લો રહી છે બોલ। इसमें पीच का मिजाज कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो ऐसा मिजाज है, जहां जहां ठाकुर का नाम ऐसा काम इस विकेट का है। पर एक बार रेप्लिका ऑफ द लास्ट डिलीवरी, खूब ज सटीक लाइन लाइन साथ बॉलिंग करी रहा है ओवर में और स्कोर 23 रन टीम विदर्भ नो स्कोर। ફરી એકવાર ઇન્દ્રેશભાઈ, આ બોલરે ખૂબ જ હેરાન કર્યા છે બોલર બેટ્સમેનને, રૂમ નથી દીધા ઇસ ગેંદબાજ કી જો ઉપલબ્ધિ હૈ સહી લાઇન ઓર લેન્થ ઓર ઉસકી લંબાઈ જો રખી હૈ ગેંદબાજી મે ઓર અચ્છી ગેંદબાજી કે મત્તે નજર આપ દેખીએ બાર બાર બીટ કિયા હૈ વહાં પર બલ્લેબાજ કો ઓર ઉસકે મત્તે નજર હી સ્કોર અબ અપડેટ યહાં પર। ત્રણ ઓવર ને 23 રન, તીન ઓવર કી સમાપ્તિ કે પશ્ચાત 23 રન। ગયા
लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर वर्तमान जो यहां पर समीक्षा हो रही है और जो समीक्षा के मद्देनजर हम बात करें तो तुलनात्मक बात की जाए तो दोनों टीमों की जो एक परफॉर्मेंस है अभी तक जो परफॉर्मेंस हुई है बेहतर परफॉर्मेंस हुई है। और विठलानी गेंदबाजी के लिए शायद ये कुछ अलग वहां पर कारनामा नीची रहती हुई गेंद और निकुंज कारिया की गेंदबाजी वो फिरकी वाली गेंदबाजी है इनके पास और ऐसा हुनर और ऐसी कला है इस गेंदबाज के पास के बल्लेबाज को बांध कर रख देते हैं और बल्लेबाज अपने आप से विवश हो जाता है आखिरकार क्या किया जाए मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सुल्लुक किया जाए लेकिन फिलहाल पैरों तरे घुंघरू बंधे और गेंदबाजी का वो नजारा अने बांधी राखे छे फरी एक बार स्पिन अटैक जोवा मळ्यु छे अने गई बे थी त्रण मैच में जोवा मळ्यु छे के स्पिनर्से डेफिसिट राखी छे ज्यारे पण टीम ने जरूर पड़ी छे स्पिनर्से मदद करी छे संकट मोचन ना रूप में उभर्या छे लेकिन जब तक स्पिनर की बात की जाए तो इस विकेट से मैंने ज़्यादातर देखे फास्ट गेंदबाज फास्टर की जगह स्पिन गेंदबाज ज़्यादा प्रभावित इन्होंने किया है स्पिनर गेंदबाजों ने और ये प्रभावित करने का जो इस विकेट से हमने जो बात की इस अन और निकुंज कारिया वंस अगेन पूरी तरह से चकमा देने वाली गेंदबाजी होती हुई गुड लेंथ बॉल होती इन्हें फ्लिक करवाने प्रयत्न कर रहे थे पर बॉल इन स्विंग थे इन्हें पैड ऊपर लागी होती इन्हें डॉट बॉल सीधे बल्ले से आप खेलेंगे तो अवश्य तौर पर इसका परिणाम मिलेगा लेकिन वहां पर कुछ अलग होता हुआ फरी एक बार डिफेंसिव शॉट बैक टू द बॉलर्स ड्राइव कोई रन नहीं डॉट बॉल अब विदर्भ के लिए कुछ कड़ा रुख तय करना होगा यहां से विदर्भ को लीजिए जिनका मैं जिक्र कर रहा था जिनकी मैं बात कर रहा था टक टका टक टक एक सुंदरता एक नजाकत અને સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે 6 રન ની મદદ થી 30 રન ઓર ઓવર કી બાત કી જાય સાગર 4 ઓવર ની સમાપ્તિ સ્કોર છે 30 રન તો એક સેટ થઈ ચૂક્યા છે હવે બંને જે બેટ્સમેન નજર આવશે બોલ ક્લિયરલી કેમ કે 4 ઓવર સુધી એક અંદાજ મળી જાય છે બેટ્સમેન ને કે કઈ પ્રકારે બોલ ટપો પડીને અંદર આવશે કે કઈ પ્રમાણે એનો બાઉન્સ રહેશે 4 ઓવર 30 रन वगर कोई विकेट ना नुकसान है टीम विदर्भ नो स्कोर और ये तरोताजा जो स्थिति बनी है इस मैच की तो कहीं ना कहीं विदर्भ अब एक आक्रामक रवैये की ओर जाएगा क्योंकि विकेट शेष बचे हैं और ओवर भी 4 हो चुके हैं 6 ओवर का गेम अभी भी बाकी है लेकिन 10 ओवर के इस सेमीफाइनल जंग की बात की जाए तो पहले के जमाने में 60 ओवर के वनडे वहां पर होते थे भूतकाल की बात की जाए उसके पश्चात 50 ओवर के उसके बाद 2020 और यहाँ पर 10-10 का नजारा रेफरी पर स्पिन अटैक पहले जो बॉल पुल करी दी तो छे डीप मिड विकेट ना रीजन में 4 रन जैसे मुंबई के लिए अब चुनौतियां ही बढ़ती जाती हो जैसे केरल से मॉनसून का आगमन हो और कर्नाटक हो के वो बादलों का समूह मुंबई की सरजमी पर हो और संकट के बादल इसलिए कहूंगा कि कहीं ना कहीं पिटाई होती हुई गेंदबाजों की यहां पर थोड़ा सा फंबल मिस्फील जोवा मळ्यो अने बने जे बैट्समैन 2 रन माटे दौड़ी पड़या स्कोर जई पहोंच्यो छे 2 रन ना मदद थी टीम विदर्भ नो स्कोर 36 रन
और ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव इसलिए मैं कहूंगा इसको, क्योंकि आक्रामकता उनके साथ जुड़ी है और विकेट नहीं गिरी है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी गेंदबाजी एक आध दो ओवर अच्छी निकाल दिए जाए तो बेहतर होगा मुंबई के लिए। पटकी हुई गेंद और आसमानी सुल्तान बनने की कोशिश और गेंद के नीचे फील्डर, वापसी तय हो चुकी है। धीरे धीरे क्या एक प्रेशर बनावा प्रयत्न तो एक पहली सफलता मिली चुकी है टीम मुंबई ने। धन्यवाद देवा मांगे अपना मुख्य यजमान एट के श्री लोहाणा समाज नवी मुंबई, खूब ज सुंदर एवं आयोजन नवी मुंबई स्पोर्ट्स एसोसिएशन क्रिकेट ग्राउंड पर श्री लोहाणा महापरिषद रमत गमत समिति आयोजित मातोश्री पार्वतीबेन नरसिंहदास कातराणी सिक्स इंटरनेशनल रघुवंश क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 में आप सबनो फरी एक बार हार्दिक स्वागत है। और जिस तरीके से विकेट का पतन हुआ और नए बल्लेबाज की उपस्थिति हुई है, विपुल कारिया नॉन स्ट्राइक एंड पर और स्ट्राइक के ऊपर है निकुंज दतानी। और स्वागत है निशांत मजेठिया, मैं हल्के से ब्रेक के बाद वापस जुड़ूंगा इंद्रेश गोकानी। और फरी एक बार इनसाइड एज ने बीट करती बॉल विकेट कीपर ना हाथ में डॉट बॉल, तो प्रेशर फरी एक बार बैट्समैन पर आवी गयु छे क्योंकि एक विकेट नु पतन थयु छे अने स्कोर 36 रन। फरी एक वार प्रेशर में एक विकेट पड़ा पछी फरी एक वार प्रेशर में आवी गया छे बने बैट्समैन, टीम के एक नवो बैट्समैन आवी गयो छे अने एनी पर अत्यारे प्रेशर बनावानी कोशिश है टीम मुंबई नी, अने क्यांक ने क्यांक सफल रही छे। फरी एक वार आउटसाइड एज लागीने बॉल गई थी स्लिप्स ना रीजन माथी वगर कोई रन है, ओवर नी समाप्ति અને સ્કોર 36 રન એક વિકેટના નુકસાને। पांच ओवर की समाप्ति और स्कोर है 36 रन एक विकेट ना नुकसान है टीम विदर्भ नो स्कोर। तो अब कहीं ना कहीं कोशिश करनी होगी कि एक बड़ा टारगेट सेट किया जाए, अन्यथा इस मैच पर पूरी तरह धीरे धीरे पकड़ बनाती हुई टीम मुंबई और विदर्भ के बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी के साथ स्कोर बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रेशर रहेगा, क्योंकि एक विकेट का पतन हुआ है, स्कोर है पांच ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन एक विकेट के नुकसान पर। Really have to up the ante right now, no two ways about it. They'll have to try and make sure that they get at least 50 more runs in the next 5 overs to make a contest out of it. Nikunj Karia is back in the attack, one over, just the 7 runs. Platesh comes in to the right hander, straight to the fielder, dot ball. Jay Sajde went for 13 in his first over. After that, Jay Chandarana, Siddharth Kotak, Nikunjan, Dhrumil have pulled things back big time. And it's cleaned up. तुझे प्रेशर बनाने प्रयत्न करे हो तो ठीक इस प्रेशर में बीजी विकेट नु पतन मड़ी चुकी है, सफलता मड़ी है टीम मुंबई ने फरी एक बार।
Yes, Vipul Karia batted well in the first game, but the last game in fact that Vidarbha played. A big problem here is that just not been able to get going. We've lost only two wickets, but the run rate is not up to the task, and Nikunju opened the batting. He's batting on a 12 of just off of 13 deliveries. So he's hit a six, he's hit a boundary. Can you imagine the number of dot balls that he's faced, which is definitely added to the pressure. And this pressure ma BG wicket levama pan safal rahi che team Mumbai. પહેલી વાર આશ્ચર્યચકિત કરે છે બધાને જે કેમકે ટોસ જીતીને હંમેશા પહેલાં બેટિંગ લઈને એક ટાર્ગેટ સેટ કરીને સામેવાળી ટીમને એક મનોબલ સાથે પ્રેશરમાં રાખીને એ મેચ જીતવાની આદત છે પણ ક્યાંક અહીંયા ટોસ જીતીને પહેલાં ફિલ્ડિંગનો નિર્ણય લીધો છે તો ક્યાંક હવે જોવું પડશે કે કેટલા રન્સ સુધી એક રોકી શકે છે ટીમ વિદર્ભને નવા બેટ્સમેન કપિલ કારિયા અને નિકુંજ એક છોડ સંભાળી રાખ્યું છે ખૂબ જ સરસ એવું કમબેક પ્રેશર બનાવવાનો પ્રયત્ન નવા બેટ્સમેન પર અને પ્રેશર બનાવવામાં સફળ રહ્યા છે બંને જ સ્પિનર્સ અત્યાર સુધી એમને અટેકમાં લાવ્યા હતા કેપ્ટને યાદ કર્યા હતા અને રાઇટ ઓન સર્વિસ ફરી એકવાર કટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો બોલ ગઈ છે કવર્સના રીજનમાં અને ખૂબ જ સરસ એવું રનિંગ બિટવીન ધ વિકેટ્સ બે રન સાથે સ્કોર આગળ વધતો ટીમ વિદર્ભનો જઈ પહોંચ્યો છે 38 રન બે વિકેટના નુકસાને ફરી એકવાર સ્વીપ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો બોલ ગઈ છે કવર્સના રીજનમાં અને માત્ર એક જ રન 39 રન બે વિકેટના નુકસાને છ ઓવરની સમાપ્તિ પછી ટીમ વિદર્ભનો સ્કોર તો પહેલી બે ઓવર ને જો આપણે જોઈએ તો એના પછી સારું એવું કમબેક કર્યું છે મુંબઈના બોલર્સોએ પહેલી બે ઓવરમાં રન્સ બન્યા હતા પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સરસ એવું કમબેક રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ્સ પર વિકેટ લઈને પ્રેશર બનાવ્યું હતું અને એના જ પ્રેશરમાં બે વિકેટ લીધી હતી અને ખાસા ડોટ બોલ પણ સાબિત થયા હતા ટીમ વિદર્ભ માટે છ ઓવરનો ખેલ થઈ ચૂક્યો છે 39 રન બે વિકેટના નુકસાને અને ફરી એકવાર બોલિંગ એટેક પર ધ્રુવી વ્યક્તિગત પહેલી ઓવરમાં એમણે 7 રન દીધા હતા પેલો બોલ ફૂલ ટોસ લઈને ડ્રાઇવ કર્યું લોંગ ઓફના રીજનમાં ફિલ્ડર છે માત્ર એક રનથી જ સંતોષવું પડશે ખૂબ જ સરસ એવો થ્રો
बॉलर ना हाथ में 40 रन तो क्या कहे धीरे धीरे स्ट्राइकर रोटेट कर स्कोर बोर्ड पर स्कोर बनाव पड़े अन्यथा बीजी बाजू मुंबई ना बॉलर्स गुडलैंड द डिलीवरी स्टेप अप थे बॉल गई थे लोकर पर बाउंड्री ना ऊपर थी चरण Run the safest area to hit the ball over the bowler's head, straight down the ground into the practice nets. So we'll have a half an hour break after the first match, after this match, before the finals. Play and a miss this time, wanted to repeat the act, this time the length not quite there. This was not in the slot to play the same shot. Goes for it, appeal and the finger goes up. Clever bowling this by Rumil. मिशन में अहिया बॉल ऑप्शन नहीं पा रहा तो वाइड से बॉल नाखियो तो लंचा में आता पर एक बार ड्राइव करवा माटे थैंक यू डीपी ड्राइव करवानो ललचावा माटे પોતાનું એજ લગાવ્યો બેટા અને એક ત્રીજી સફળતા મળતી આ મુંબઈની ટીમ છે કમબેક કરવા જાણે છે અને ઠીક એજ નિર્ણય પર ખરા ઉતરતા મુંબઈના બોલર્સ પોતાના કેપ્ટન માટે યસ એબ્સોલ્યુટલી ધ ફર્સ્ટ બોલ હી વોઝ સ્મેક્ડ ફોર અ 6 હી બોલ્ડ ધ નેક્સ્ટ ડિલિવરી અ લિટલ away from where the previous ball was it was a swing and a miss he bowled this one slightly further away and got the outside edge as the batsman played inside the line of the ball clean edge clean catch taken and the new batsman હવે નવો બેટ્સમેન આવે છે સાગર વસાણી સ્ટ્રાઇક પર તો ખૂબ જ ચતુરાઈ સાથે બોલિંગ કરી હતી ત્યાં ગુડ લેન્થની બોલને પહેલા બોલે સિક્સર માટે તબદીલ કર્યું હતું એના પછી કન્ટિન્યુઅસ બે ડોટ ડિલિવરીઝ અને સ્લાઇટ વાડીશર રાગી હતી બોલ અને ઇનસાઇડ એજ લગાવી બેઠા હતા ફરી એકવાર સ્ટેન્ડ એન્ડ ડિલિવર જ્યાં સુધી ફિલ્ડ કરાય બંને બેટ્સમેન બીજા રન માટે દોડી પડ્યા ખૂબ જ સટીક એવો થ્રો પણ ખોટા છોડે અને ત્રીજો રન બોનસ રન બંધ્યા ટીમ વિદર્ભ માટે તો આવતા ભેગા જ 3 રન સાથે સ્કોર આગળ વધાર્યો છે ટીમ સાગરે અને ટીમ વિદર્ભનો સ્કોર 49 રન 49 3 વિકેટના નુકસાને અત્યાર સુધી 9 રન દીધા છે અને એક સફળતા મળી છે ધ્રુવિલને અને હવે સામે લેફ્ટ હેન્ડ બેટ્સમેન ફરી એકવાર ડ્રાઈવ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો આઉટસાઇડ એજ લાગીને બોલ ગઈ છે અને 4 રન સાથે ટીમ વિદર્ભનો સ્કોર 53 રન 53 સ્કોર છે ટીમ વિદર્ભનો 53 રન 3 વિકેટના નુકસાને 53 ફોર ધ લોસ ઓફ 3 વિકેટ્સ ધન્યવાદ દેવા માંગે છે આપણા મુખ્ય યજમાન એટલે કે શ્રી લોહાણા સમાજ નવી મુંબઈ ખૂબ જ સુંદર એવું આયોજન ક્રિકેટનું શ્રી લોહાણા મહાપરિષદ રમત ગમત સમિતિ આયોજિત માતુશ્રી
पर्वतीबेन नरसिदास कात्रानी परिवार सिक्स इंटरनेशनल रघुवंशी क्रिकेट टूर्नामेंट नवी मुंबई स्पोर्ट्स एसोसिएशन क्रिकेट ग्राउंड में आप सबनु हार्दिक स्वागत छे। અને ટીમ ઓફ વિદર્ભનો સ્કોર નિશાનભાઈ 53 રન પહોંચી ગયો છે, 3 વિકેટના નુકસાને। થ્રી ઓવર્સ રિમેઇન, ધેન ટ્રાય એન્ડ મેક્સિમાઇઝ ધીસ થ્રી ઓવર્સ, ટ્રાય ટુ ગેટ 30 આઉટ ઓફ ધેમ। સાગર ઓન સ્ટ્રાઇક, ઇનફેક્ટ ઇટ્સ યસ સાગર ઓન સ્ટ્રાઇક। Starts off with a shortish delivery there, appeal for a caught behind there. Umpire not interested. Very well directed bouncer. तो ड्रॉप बॉल साथे ओवर की शुरुआत थी छे अने कैंक हवे प्रेशर में दिखाई रही छे टीम विदर्भ। स्कोर 53 रन, 3 विकेट ना नुकसान है। फरी एक बार पुल करवाने प्रयत्न करे तो शॉट में कनेक्ट नोता करी सक्या बॉल ने नॉन रीजन में मिसफील्ड जोवा मळ्यो ने एनो फायदो उठाता बने ज बैट्समैन 2 रन माटे दौड़ी पड़ा था अने स्कोर 55 रन। जय ચંદા રાણા વ્યક્તિગત બીજી ઓવર નાખી રહ્યા છે, એટલે જે કે ટીમ માટે 8મી ઓવર। ફરી એકવાર સ્લોવર ડિલિવરી, પુલ કરી દીધું, કોઈ ફિલ્ડર નથી, 4 રન। બાકી કી નજાકત કો સમસ્તે હુએ એક ચોકા લગાને મેં સફળ રહી હૈ ટીમ વિદર્ભ। ઇસ ઓવર મેં સ્કોર જા પહોંચા હૈ 59 રન, 59 રન, 3 વિકેટ ના નુકસાન હે। સ્કોર ઇઝ 59 ફોર ધ લોસ ઓફ 3 વિકેટ્સ। નાઉ દે હેવ ટુ ગો ફોર સમ બિગ શોટ્સ ટુ સ્કોર ઓર એલ્સ ઇટ વિલ બી મુંબઈ ગેટિંગ ધ મેચ ઇઝીલી ઇન ધર હેન્ડ્સ। સ્લોવર ફૂલ ટોસ હતો, એને ખૂબ જ સરસ રીતે રમી દીધું હતું બાઉન્ડ્રી લાઇનની બહાર 4 રન માટે મિડ વિકેટના રિજનમાંથી। 8મી ઓવર ચાલી રહી છે, ફરી એકવાર બ્લોક હોલ્ડ ડિલિવરી, કમ્પ્લીટલી બીટ થયા હતા ત્યાં, ડોટ બોલ, તો સારું એવું કમબેક। જય ચંદા રાણા, હંમેશા મોટા શોટ થી મોટા સ્કોર થી જ રન આવે નથી વધતા। સિંગલ ડબલ સાથે સ્ટ્રાઇક રોટેટ કરવી પડશે। મીનવાઇલ હજી એક વિકેટ નું પતન થયું છે, ક્લીન બોલ્ડ, યુ મિસ આઈ હિટ, 59 રન, 4 વિકેટ ના નુકસાન, ટીમ નો વિદર્ભ નો સ્કોર। મુંબઈ ટીમ ડઝન્ટ હેવ ટાઈમ ટુ બી હિયર સબસ્ટિટ્યુટ ટુડે, સમ બિટ ઓફ એન એમર્જન્સી ક્રીપિંગ અપ। And then a situation where their coach and manager Vishal and Prashant have to run in with drinks. ચોથી વિકેટનું પતન થયું છે, સ્કોર છે 59 રન, 59, 4 વિકેટના નુકસાને। 8મી ઓવર પ્રગતિપથ પર અને ધીરે ધીરે ક્યાંક સંકટના બાદલ
59 रन, चार विकेट ना नुकसान है। आठवीं ओवर में पांच बॉल थी चुक्या है। આમાં છેલ્લી વાર ફૂલ ટોસ બોલ હતી, થોડું શું સ્પીડ થોડા સ્લો હતા ફિલ્ડર અને બેટ્સમેન એનો ફાયદો પડતા બે રન માટે દોડી પડ્યા હતા। આઠ ઓવરની સમાપ્તિ પછી ટીમ વિદર્ભનો સ્કોર 61, ચાર વિકેટના નુકસાને। સો ધ રન રેટ ટચિંગ ઓલમોસ્ટ ધ 8 રન્સ પર ઓવર માર્ક। Two overs remain. They should target at least 20. for 4 after 8 overs. So Siddharth Kotak is back in the attack to bowl the penultimate over. He gave away just 3 runs in his first over. So this is the over that Mumbai will be banking on. And if Vidarbha Sah Madhya Bharat can get runs in this over, they'll be very pleased with themselves. On strike is Kapil Karia, batting on 8 of 6 deliveries, one boundary to his name. નિશાંતભાઈ, ગઈકાલે આપણે જોયા હતા કે ખૂબ જ એક્સ્ટ્રાઝના રૂપમાં રન્સ પ્રાપ્ત થયા હતા, પણ આજે બધા જ બોલરોએ ટાઈટ લાઇન લાઇન સાથે બોલિંગ કરી છે, તો એટલા ઓછા બોલ જે આપણે કહીએ કે પેનલ્ટીમેન્ટ ઓછા બોલ્સ નાખ્યા છે। ફરી એકવાર ડોટ બોલ સાથે ઓવરની શરૂઆત કરી છે। યસ, અનધર રીઝન બીંગ ધેટ ધીઝ આર ધ ટોપ ટીમ્સ ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ, દે હેવ ડન well to reach here and they have learned from the mistakes that they committed on the first 2 days, which is a good sign, and because they have learned from the mistakes they are in the top 4. Very well bowled, that has been clipped away, it's a wide of the fielders there, just a single, excellent throw from the deep, Jay Chandran the fielder there. तुम्हाला असं तरी नाही दिलेलीच बरी, या चौकशी असते तुमच्या, मग कशाला वगड पडतो काय घरी का नाही दे 100 रुपये, चल मग किती लाई 5 रुपये लागेल लोडला, किंमत बघ किंमत 60 ना 60 रुपये। ફરી એકવાર ફિલ્ડ પ્લેસમેન્ટમાં ચેન્જીસ જોવા મળ્યા છે, કેમ કે સ્ટ્રાઇક પર આવ્યા છે રાઇટ હેન્ડ બેટ્સમેન, તો રાઇટ હેન્ડ અને અહીંયા ક્લીન બોલ, પાંચમી વિકેટ નું પતન। બેકફૂટ પર નજર આવી રહી છે ટીમ વિદર્ભ। पट्टू ही गेंद थी, कनेक्ट नहीं कर पाए थे, पर जब तक की फील्ड किया जाए एक रन से संतुष्ट होना होगा। स्कोर बढ़ता हुआ एक रन के साथ है, टीम विदर्भ का जा पहुंचा है 63 रन, पांच विकेट के नुकसान पर। और फिर एक बार फील्ड में चेंजेस होती हुई, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं स्ट्राइक पर, कपिल कारिया फील्ड का नुमाइना करते हुए
फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, पुल किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, देखना है गेंद को रोक पा रहे हैं या नहीं। जी हाँ, रोका था गेंद को 2 से 3 गज बाउंड्री लाइन के पास, और इन दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम विदर्भ का 65 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो धीरे धीरे अब इस मैच में शिकंजा पसती हुई टीम मुंबई जानती है कि ज्यादा बड़ा लक्ष्य सेट नहीं होने देना है, नियमित अंतराल पर विकेट ली है। और फिर एक बार स्ट्राइक पर कपिल, इस बार मिड ऑन के रीजन में खेला था, 1 रन के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन 66। 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम विदर्भ का स्कोर 66 66 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो काफी सीमित रखा है मुंबई के गेंदबाजों ने इस मैच में, टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया था तो कुछ खड़े उतरे हैं सभी गेंदबाज, और साथ ही क्षेत्र रक्षण बहुत ही खूबसूरत रहा है। और आखिरी ओवर टीम मुंबई के लिए लेकर आएंगे गेंदबाज। थैंक यू डीजे। और निशान भाई, 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 66 रन 5 विकेट के नुकसान पर, आपकी क्या प्रतिभा रहेगी इस आखिरी ओवर में, कितने रन बन सकते हैं या फिर कितना टारगेट सेट कर सकती है टीम विदर्भ? It's a new bowler has been given the ball, so this can go either way. Jai went for 13 in his first over, so he's not been given a second over. So what they have done is they have taken the chance with giving the new bowler a go. Snehal to bowl then. Slapped away towards the fielder at cover, will go straight to the fielder. Kapil picks up a single with that, brings Anup Tanna on strike. ...67 for 5 is the score. Five deliveries to go. How many can they get? They should go for the big shot. Played away towards the onside. The fielder charges in. They're coming back for 2. Throw is at the far end. The batsman will reach. 1 shot is the call from the umpire. Anup is not happy, but just a single added to the tally then. Full toss, big shot attempted, plain a miss, dot ball. Exceptional stuff, 3 deliveries, just the 2 runs given away by Snehal. तो बहुत ही खूबसूरत फिर एक बार प्रदर्शन किया स्नेहल ने इस आखिरी ओवर में। फिर एक बार ब्लॉक बॉल डिलीवरी अंतिम क्षणों में खेला था लॉन्ग ऑन के फील्डर, जब तक कि फील्ड किया जाए गलत थ्रो फिर एक बार, और 2 रन आसानी से दौड़ पड़े थे दोनों ही बल्लेबाज। यदि ये थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी पहुंचता तो मात्र 1 रन से ही सीमित रख सकते थे और स्कोर जा पहुंचा है टीम विदर्भ का 70 रन 70 रन
पांच विकेट ना नुकसान है टीम विदर्भ। एक बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक हवा में लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कोई गलती नहीं की, एक और विकेट मिलता हुआ टीम मुंबई को। राइज खेलना चाहते थे, ड्राइव किया था, हालांकि शॉट में उतना दम नहीं था, टाइमिंग के साथ खेलना चाहते थे, मिस हिट किया था और छठी विकेट का पतन होता हुआ और नए बल्लेबाज श्रेयस। और अब आखिरी गेंद इस इनिंग की, तो कहीं ना कहीं जो निर्णय लिया था टीम मुंबई के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का, उस निर्णय पर खरे उतरते हुए सभी गेंदबाज। एक समय लग रहा था कि 80 से 90 रन के ऊपर स्कोर होगा इस इनिंग में। आखिरी गेंद हल्के हाथों से खेला था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जब तक कि फील्ड किया गया बहुत ही सटीक थ्रो और देखना है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत थ्रो और कोई गलती नहीं की, नॉन साइकिल एंड पर गिल्लिया बिखेर दी, तो पहले इनिंग की समाप्ति और टीम विदर्भ का स्कोर 71 यानी कि जीत का लक्ष्य है 72, 72 रन का लक्ष्य टीम मुंबई ने। विदर्भ के लिए निकुंज ने बनाए थे 18 रन, 16 गेंदे खेली थी और प्रसिद्ध ने बनाए थे 16 गेंदों में 23 रन जिसमें दो बड़े चौके शामिल थे। विपुल और विपुल ने शून्य पर आउट हुए थे। कपिल कारिया 12 गेंदे और 14 रन, सागर वसाने 6 गेंदे 9 रन, अंकित चंदा राणा 2 गेंदों में मात्र 2 रन बना पाए थे और अनूप तन्ना 5 गेंदे 4 रन और आखिरी में श्रेयस बगैर किसी रन के रन आउट हुए थे आखिर में। और टीम रिजर्व का स्कोर 71 यानी कि जीतने के लिए 72 रन का लक्ष्य है, टारगेट है टीम मुंबई ने। अने जो बॉलिंग एनालिसिस जो है तो जय एक ओवर में 13 रन दीदा था, 13 नी एवरेज थी। जय चंद्राणा 2 ओवर में 14 रन दीदा था, कोई विकेट नहीं मिली। सिद्धार्थ 2 ओवर में 8 रन लेने 1 विकेट नु पतन करियो हतु अने बीजी बाजू निकुंज 2 ओवर 10 रन 1 विकेट, ध्रुविल 2 ओवर में 20 रन लेने 1 विकेट नु पतन करियो हतु अने स्नेहल 1 ओवर 5 रन ने 1 विकेट। तो खूब ज सरस एवं बॉलिंग एनालिसिस टीम मुंबई नो 72 इज द टारगेट फॉर मुंबई टू विन दिस मैच।
वो बोलना की है। मगर जाने काना मातुश्री पार्वती बहन नरसीदास काठराणी परिवार सिक्स इंटरनेशनल रघुवंशी क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 में आप सबनो हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद अर्पवा मांगी छे अपना मुख्य यजमान श्री लुवाणा समाज नवी मुंबई। अने मैच चाली रही है सेमीफाइनल नंबर टू मुंबई वर्सेस विदर्भ जेमा 72 रन नो लक्ष्य दिया है टीम विदर्भ द्वारा। टॉस जीतो तो मुंबई ने पहला फील्डिंग नो निर्णय लीधो हतो। बस हवे मात्र थोड़े ज वार में रन चेज की शुरुआत करशू। ध्रुव अगस्या आपने धन्यवाद धन्यवाद देवा मांगेश जी। अपनी यूट्यूब की टीम जेने पर यूट्यूब पर आप लाइव मजा माणी रहा छो आ टूर्नामेंट ने एटले के 24 लाइव की टीम संदेश पाटिल यूट्यूब अपडेटर कैमरामैन सीताराम राहुल विनायक पाटिल निखिल कामड़ी अने प्रणय पाटिल आपका भी तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद देवा मांगेश। તમામ માન્યવરગણોનો જે આજે ઉપસ્થિત છે આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે શ્રી वी आर अबाउट टू स्टार्ट द सेकंड जेज अंपायर्स आर वॉकिंग इन नितिन वाणी एंड समीर दिरवानी एंड विदिन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी आर अबाउट टू स्टार्ट द चेज। रिमेंबर द टारगेट फॉर टीम मुंबई इज 72 रन्स। द बॉलर्स एंड द फील्डर्स राइट ऑन द बैंक ऑफ मनी ऑफ द कैप्टन विनिंग द टॉस एंड इलेक्टिंग टू फील्ड फर्स्ट। They have restricted Vidarbha to a par score of 71 and now it will be a decider that which team will win and go to the finals to play against the Saurashtra. Saurashtra is the first team to qualify for the finals of the Sri Luwana Mahaparishad Ramat Gamat Samiti Ayojit Matushri Parvati Ben Narsidas Katrani Parivar 6th International Raghuvanshi Cricket Tournament. Would like to thank मुख्य यजमान श्री लुवाणा समाज नवी मुंबई। ब्यूटीफुल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड एट द नवी मुंबई स्पोर्ट्स एसोसिएशन क्रिकेट ग्राउंड एंड
We are about to start the chase, the second innings of the match played between Mumbai versus Vidarbha. आपका स्कोरिंग नहीं चालू, आपका ये नहीं चालू, खाली अपना डिस्प्ले चालू, अच्छा डिस्प्ले ही चालू, हाँ जब आपका वो रन निकले तभी स्कोरिंग चालू रहेगा, बस बस मतलब बकवास आता है बाद में बीच बीच में, ये नहीं है ना, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं आपका ऑडियो वीडियो सब बंद है, हाँ ऑडियो. And I welcome Indresh bhai to the commentator's box once again. So well after, good afternoon everybody. So second inning will be starting soon. Vidarbha Maharashtra having an economic target of 71 and 72 to win this match. And a lot of depth in the Mumbai Maharashtra batting side. Jayesh Thakkar, Awad Thakkar, Snehal Utlani, Aman Suraya. Madan la charger. Ye zaman la la da. Milan. What a quick Adil Wale, step to the glove of a keeper. Milan the man on a strike. Milan Jugani, a right hand batsman. This time on to play on the onside, didn't able to connect with the bat, wrap for the pad. So definitely a good contact right over here. Ankit Mirani once again off the mark with the ball. Outside the off-stump, technique of a bad ball goes towards the slip and gully for 4 runs. What a shot was that! Marginally a cut shot. No chance for any fielder to stop that delivery. Milan Rukani, the guy, charging the ball, using the pace of a ball. Middling well and the result is the boundary. 72 the target to win the match. Well, definitely the spectators die, so we are enjoying the movement. Those who know the shot, what the batsman is going to play, they will definitely enjoy the movement. Once again, Milan on a strike. First over in progress. This time, want to play on the onside. Didn't able to connect with the pad. Wrapped on the pad for a leg by and a single. Here comes the second opener for Mumbai Maharashtra. Jayesh Thakkar on a strike right over here, taking his guard well. Hey, you want to take a look at the nicely played, a bang on target, a respected stroke from Jayesh Thakkar. Allowing ball to come on a bat very easily. Respect a short form. Jay, once again. First score in progress. 72 is the target to win the match. First score in progress. Up to the task and a match summary. Mumbai Maharashtra won a toss, selected for field first. On the onside and a wide call from the umpire. So Singer on the board again. Now
sensibly played by Jayesh. So finally, end of the first over. Score reached on 6. उगला लेगा, उगला ले। चार्जर लेना। तेरे वो लक्ष्य है, ठावा तो लक्ष्य नहीं। बार बार करती है फोनो, कोई उठाने का नहीं। बार बार उदय योजन लाओ तो मिलन चाहिए डाल देना बार बार करती फोन उदय मिलन की लिया बोलो न रे मिलन ने उल्टू कटआउट लावल पाजे होते त्यांचे दोघांचे हे चोर बोले आले आला बेपिचे बक्कने चालल होता Want to go for a big one, didn't able to collect with the bat properly, and the ball reaches towards the boundary for 4 runs. It's a bye call from the umpire, Samit Sirwani. Well, over to collect by the glove of the keeper. Ball reached towards the boundary length of 4 runs very easily. So finally, score reached on 10 now. This time, Milan Rugani charging the ball hard and clear the fence. Once again, what a big shot. Waiting for the shot delivery beyond the stump with the bat connecting well. Absolutely cricketing shot, clearing the fence towards the mid-wicket for 1-6. That's the spirit for our Mumbai Maharashtra opponents to play. Definitely a 1-6. Definitely. Absolutely perfect cricketing shot. Again, this time charging hard as the fielder under it. Let's see. Beyond the ball, no man lands. This time they are satisfied with the single now. Milan Rugani, the man. Dean able to connect with the bat properly, otherwise, might be a punishment. Should be got once again. Sensibly played by Jayesh Thakkar on the onside for a single. You know the danger man Milan Rugani charging the ball hard. So the rotating strike will be the strategy for the side for Mumbai Maharashtra right over here. 72, the sensible economic target for Mumbai Maharashtra to win this match. This time, once again, smash it on the onside, check to the fielder. So, dot. Ball finally a nicely geometrical field set for Milan Rugani, a fire on the offside. This time once again smash it on the onside. There's a field over there. In comes the throw, one bounce to the glove of keeper and a single on the board. So 2 overs, 19 for none, Mumbai Maharashtra. What a start, electrified start for a sufficient scoreboard of 72 to win the match. जी हाँ, एक करना तो तेरे को खुद के ऊपर समझ आ जाएगा ना। बॉल में मुबारक मैं समझ कम। तो तुझे प्रॉब्लम है, हम तक आए। मोबाइल जान दो। संपला। हेलो जी हाँ, मैं इंद्रेश कोकानी फिर से एक बार आपके साथ रघुवंशियों की परंपरा से जुड़ा जैसे ये क्रिकेट। और क्रिकेट की बात करें तो आज के दिन का ये दूसरा सेमीफाइनल जंग, और दूसरे सेमीफाइनल जंग की बात करें तो ये दूसरा इनिंग, और दूसरे इनिंग की बात करें तो मुंबई का दबदबा जारी। और देखा जाए तो अब विदर्भ की एक सोच बन चुकी होगी
आखिरकार क्या किया जाए, यहाँ से एक आध दो विकेट मिल जाएंगे तो अवश्य तौर पर वापसी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन फिलहाल मुंबई का दबदबा। स्ट्रेट वे गेंद को धकेल दिया है अवश्य तौर पर और चार रन, और इस चार रन के साथ स्कोर अपडेट होता हुआ, और इस चार रन के साथ जो स्कोर जिस तरीके से सलामी बल्लेबाजों ने बाजी को संभाला है और पूरी की पूरी एक दावेदारी के साथ, जैसे ट्रेडमार्क के साथ मुंबई खेल रही है और जीत की दावेदारी वाली जो टीम होती है हर साल की तरह, इस साल भी ऐसा लग रहा है कि मुंबई एक कीर्तिमान की ओर जाएगी और अवश्य तौर पर एक सुंदर नजाकत देखने को मिलती हुई दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 के योग पर और बारी का ये तीसरा ओवर जारी है बिना कोई नुकसान के, जीतने का लक्ष्य सिर्फ 72। फिर से एक बार खेलना चाहते थे वहां पर कमर के क्षेत्र में, लेकिन बाहरी हिस्सा और थर्मल रीजन में गेंद अब जैसे टाटा बाय बाय कहती हुई और चार रन, और इस चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 के योग पर। चंदे Absolutely, what a shot, what a swing of a bat from Milind Rugani, charging the ball hard towards the third man region, no man land, and reach towards the boundary line for four runs. That's the spirit of Mumbai Maharashtra, known as champion. You won't get any pressure, and put a pressure on opposition. As a sensible toss, winning by our attacker, selected for field first, put a restriction of a 72 target. And they are much in the game with a very good start by the opening pair, Jayesh Thakkar, as well as the Milind Rugani. The help of more than a couple of boundaries is much in the game. जी हाँ, जिस तरीके से वो निर्णय वहाँ पर सही साबित होता हुआ कप्तान का, टॉस जीतने के पश्चात स्वयं फील्डिंग को रखा, उस फील्डिंग में रखा था और चेस करने की जो चेष्टा रखी थी उसमें मुकम्मल दोनों बल्लेबाज यहाँ पर दिखते हुए, और एक अच्छी कोशिश है। फिलहाल देखा जाए तो मुंबई का खेमा खुशखुशाल मुद्रा में, जैसे 33% रन तो बना लिए हैं, ऐसा लग रहा है कि अब मुंबई जो स्थिति से गुजर रही है कहीं ना कहीं परिस्थितियों के साथ उनका भाग्य भी साथ दे रहा है और कहीं ना कहीं विदर्भ के लिए सोचने का विषय बन चुकी है। यहां से एक आध दो विकेट निकालने होंगे विदर्भ को। इस एक बार गेंद को धकेला है ऑन साइड में, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते एक रन का मौका और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पहले ऐसा लग रहा था कि विदर्भ कुछ बेहतर कर दिखाएगी, लेकिन शुरुआती बल्लेबाजी जो हो रही थी उसके पश्चात क्रमांकित बल्लेबाजों की जो वापसी होती रही और कहीं ना कहीं स्कोर वहां पर निम्न स्कोर चल बनता गया और वो आंकड़ा रुक गया और मद्देनजर उसका पीछा करने के लिए मुंबई बेहतरीन अदा है इस बल्लेबाज के पास। और इस टीम में एक मेहुल गोकानी, जहां तक मेरी नॉलेज है, वो आज नहीं खेल रहे हैं इस साल। He is one of the nice contention player for our team, especially not there in the squad. Rest of the year, we are given a lot of chance for a young shot. अवश्य तौर पर युवा धन ही बेहतर है और ये लीजिए एक सुंदरता है बल्लेबाज की बल्लेबाजी में, एक वो तहकीकात जैसे गेंद के साथ खेलने की कोशिश है और सुंदर नजारा फ्रंट फुट पे जाके बेहतर अदाओं के साथ गेंद को सीधे बल्ले से खेल दिया और एक रन, और बातों ही बातों में तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है सतीश, और स्कोर 29 के योग पर। बारी के तीन ओवर की समाप्ति के पश्चात 29 रन और बिना कोई नुकसान के, ये तरोताजा और वर्तमान स्थिति है और क्यों ना हो आखिरकार एक ट्रेडमार्क जीत की दावेदारी वाला ट्रेडमार्क खेल रहा हो। 29 तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 29 रन, और सागर जिस तरीके से बल्लेबाजी जारी है ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ओवर में जो मुश्किलें होती है एंडिंग्स में जब जाती है गेम, तो यहां ऐसा लग रहा है कि गेम एंड तक ली जाएगी ऐसा लग रहा है फिलहाल, लेकिन यहां से ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट है आखिरकार होनी और अनहोनी वाला खेल है। रन ओवर पची स्कोर है टीम मुंबई नो 29 रन, वगर कोई विकेट ना नुकसान है तो धीरे धीरे बस बने जो बैट्समैन सेट थी चुक्या है। एक पहला तो डिसीजन जय लेवायु टॉस जीती ने फील्डिंग नो तो तरह बदा जरा अचंभित थी गया था कि मुंबई शू डिसीजन लीधु, पर क्या ने क्या बॉलरे पोता कैप्टन पर भरोसा राखो तो कैप्टन नो कई डिसीजन पर खरा उतरा 71 रन पर रोकी दीदी थी टीम विदर्भ ने।
અને હવે ફરી એકવાર સેકન્ડ ઇનિંગ્સમાં ખૂબ જ સરસ એવી શરૂઆત. અબ દેખા જાય તો સાગર કપિલ કી ગેંદબાજી. એક જમાના થા હિન્દુસ્તાન કે ખેમે મેં કપિલ દેવ ઓર ઉસકી ઉપમા થી હરિકેન. એક સાયક્લોન આયા થા હિન્દુસ્તાન કી સરઝમી પર, વેસ્ટ ઇન્ડિઝ કી સરઝમી પર, ઓર હરિકેન ઇનકો નામ દિયા ગયા થા. 175 રન કી બારી ખેલી થી. યે લીજીએ સુંદર કવર ડ્રાઇવ ઓર એક રન, ઓર એસે એક રન કે સાથ સ્કોર આગે બઢતા હુઆ. इस ग्राउंड की बात करें और इस विकेट की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों तरफा इस विकेट ने सहारा दिया है, बल्लेबाज को भी साथ दिया है और गेंदबाज को भी साथ दिया है. और क्यों ना हो, ऐसे पिच और ऐसे विकेट पर खेलने के लिए हर कोई उत्साहित होता है. फील्डिंग की सजावट और जमावट के साथ क्रिकेट का ये माहौल और ये जंग जारी है. और श्री लोहाना महापरिषद रमित गमित समिति के द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का आज आखिरी दिन और इसके पश्चात एक ग्रैंड फिनाले होगा. सलमान के साथ फिर से एक बार ऑन साइड में गेंद को धकेला है जब तक कि एक रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ. इकतीस रन वगैरह कोई विकेट ना नुकसान है. और फरी एक बार स्वीप करवाना प्रयत्न, बॉलिंग आउटसाइड एज लागी गई है. ફાઇન લેગ ના રીજન માં ચાર રન માટે એલિવેશન હતું, સ્વીપ કરવાનો અંદાજ માં રમ્યા હતા, આઉટસાઈડ એજ લાગી હતી ને બોલ ગઈ હતી ફાઇન લેગ ના રીજન માં, કોઈ ચાન્સ નહોતો ફિલ્ડર પાસે અને સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે 35 રન વગર કોઈ વિકેટ ના નુકસાને. અને એક ચેમ્પિયન્સ ના રીતે રમી રહી છે ટીમ મુંબઈ. અને જે તમે કીધું ઇન્દ્રેશભાઈ કે આ પિચનો મિજાજ તો નટખટ રહ્યો છે, ક્યારેક અનઇવન બાઉન્સ રહ્યો છે તો ક્યારેક લો પિચિંગ થઈ છે અને ક્યારેક ટર્ન પણ થઈ છે. તો એનો હાલ એક ખૂબ જ સરસ એવી વિકેટ જોવા મળી છે બંને બાજુથી. ફરી એક વાર ઓન ધ રાઇઝ ડ્રાઈવ કર્યો ઇનસાઇડ આઉટ, કોઈ ચાન્સ નહીં, ચાર રન. એટેકિંગ શોટ સ્ટ્રેટેજી સાથે રમેલો શોટ અને ફિલ્ડર પાસે કોઈ ચાન્સ નહોતો, સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે 39 રન. તો મુંબઈ આર ક્રુઝિંગ એટ ધ મોમેન્ટ, પ્લેઇંગ લાઈક અ ચેમ્પિયન્સ, ડિફેન્ડિંગ ધ ટાઇટલ. એન્ડ ઇફ ધે કેન ટુ પ્લે લાઈક ધીસ શોટ્સ, નો વન કેન સ્ટોપ ધેમ ફ્રોમ વિનિંગ ધીસ મેચ. સ્કોર છે 39 રન વગર કોઈ વિકેટ ના નુકસાને. और 39 रन बना लिए हैं. अब देखा जाए तो जीत की वो एक मुहिम जो छेड़ी है. दोनों ही सलामी बल्लेबाज बेहतर खेलते हुए फिलहाल, मिलन और जयेश. और दोनों के इंडिविजुअल स्कोर की बात की जाए और लीजिए वंस अगेन लॉफ्टेड इन द एयर एज अ फील्डर अंडर इट मिस्ड द कैच एंड बॉल गोज टुवर्ड्स द बाउंड्री लाइन, अ लॉन्ग चेस फाइनली रीच टुवर्ड्स द बाउंड्री लाइन फॉर 4 रन. What a crackling shot, the lofted in the air. The favorite shot was that of Jay Stacker. Was much in the air, want to clear the fence, a little bit of miss the timing, but finally the result is much positive. Jay Stacker going a happy movement, using his feet well, middling the ball well. The timing was perfect and the result will be absolutely perfect. जैसे कहावत के साथ और गाने के साथ मैं सहरा बांध के आऊंगा, और यही यहां पर मुंबई के खेमे से देखने को मिलता हुआ. बेहतरीन अदाकारी, डीप स्पॉट रीजन में गेंद को धकेला है जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं. एक रन का मौका और इस एक रन के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ. बातों ही बातों में ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर 44 यानी 4-4-4 का संगम होता हुआ. चार ओवर की समाप्ति के पश्चात 44 रन और जीतने के लिए सिर्फ 72 रन. और यहां से उल्टी गिनती भी यदि बताई जाए तो जाहिर हो गया अब 36 गेंदे 28 रन चाहिए. ज्यादातर ये देखा जाए तो रन ऑफ बॉल से भी कम अब हो चुका है. और अच्छी बल्लेबाजी के मद्देनजर और दोनों के स्कोर की बात की जाए, मिलन का स्कोर
ये बोलेल मैच है तो युवक कांग्रेस से कौन है प्रचंड है जिस तरीके से बल्लेबाजी जा रही है तो कॉन्फिडेंस तो साथ में आसमां पर ही है दोस्त। बिगपुर में जाके सलमान के साथ खेलने की कोशिश है लेकिन एक रन से आप नहीं खेल पाएंगे और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मैदान कुटला आई सेड कॉम्बिनेशन फ्रॉम बोथ द बैट्समैन फाइनली आई सेड कॉम्बिनेशन द चीटर्स रनिंग ऑन द क्रीज व्हेन दे सॉ द बॉल आर मच इन द गैप द स्टार्ट रनिंग स्टार्ट फॉर सिंगल रोटेटिंग स्ट्राइक इज द स्किल Oh, what a delivery was that. Missed the stump, to be very honest. And a long chase for a fielder. The ball goes towards the boundary line. Finally stopped the ball and still a single for the side. Three on the board to be absolutely athletic fielding for this guy with the Sandeep, it seems like the way it's 72 runs, I mean 71 runs, so here, somewhere, Vidarbha's number 90 के आसपास होता तो चुनौतियां ज्यादा रहती यहां पर वंस अगेन लॉफ्टेड इन द एयर बट द बॉल इज मच फार फ्रॉम द फील्डर मिलिन दुगानी वांट टू चार्ज द बॉल वांट टू क्लियर द फेंस द ओवरथ्रो माइट बी ब्रिंग्स सम पॉजिटिव रिजल्ट अगेन द एथलेटिक फील्डर ये सेव वंस 2 टू 3 रन्स अगेन फॉर द साइड सो टू ऑन द बोर्ड वंस अगेन द थ्रो वाज लिटिल बिट ओवर बियॉन्ड द कीपर And nicely covered by the fielder and save a couple of runs for the side. Mumbai aur Vidarbh ki baat kare to ek Maharashtra ke hi simankan ki dono team hai aur ye lijiye ise kehte hain haath mein agaddu bina khaye chhod diya chande wo wicket ki mithas thi lekin antatah wo bhi gawa diya Definitely very much disappointment by the captain losing the catch. A very much simple catch. Captain definitely won't be happy with the performance right over here. The catch has been the message has been given. But a cricket slogan. फिर एक बार लॉन्ग बाउंस क्षेत्र में गेंद को धकेला है एक रन और दूसरे रन की तलाश और अच्छी फील्डिंग का नजारा Nicely stopped the ball by the leg, but finally it's save a three run for the side the young fielder Vipul stopped the ball running towards the ball and a single on the board so what the both the batsman is charging well to be very honest once again eyesight combination what I'm talking about for a singles now and then every moment once they saw the ball then the fielder lazy coming towards the ball they start running and rotating the strike And a single on the board will bring definitely pressure on the opposition. So finally, end of the fifth over. Five over ki samapti ke paschaat score 52 ke yog par. Aur abhi tak wicket nahi gira hai aur ye saajedari is tournament ki achhi saajedari banti hui dost. Is tournament mein 68 wali saajedari banti hui. और पांच ओवर की समाप्ति के पश्चात जैसे 52 रन और इसके पश्चात शेष जीतने के लिए 20 रन चंदे और आने वाली 30 गेंदों में 20 और 20 रन चाहिए जैसे ट्रंप आज अहमदाबाद की सरजमी पर और नरेंद्र मोदी सर के साथ उनकी सवारी मोटेरा स्टेडियम में वर्ल्ड का पहले नंबर का स्टेडियम और यहां पर देखिए आप ये नजारा रघुवंशियों का दबदबा जारी है यहां पर और ये लॉर्ड फुलटॉस गेंद को धकेल दिया है और बेहतरीन अदाकारी और देखिए चंदे ये ऐसा लग रहा है कि जीत को जेब में रख दिया हो Definitely the confidence are much higher for Mumbai Maharashtra with the batting depth we'll talk about. And using his speed, the full toss delivery, lofted in the air, playing in the gap. Everything is going for Mumbai Maharashtra 1. So, we'll talk about the guy, Milind Dugani. Sensibly playing, charging the ball well once he got a loose one. Lofted in the air, using his feet well. So finally, ball reached towards the boundary for 4 runs. 16 requirement.
on a back foot and a cut shot. There's a field out towards the point, missed field. But they have to satisfy with the single now. 15 more require to win this match and qualify for final. A well said batsman, Jayesh Thakkar, on a strike right now. Little bit of in the air, but a long chase for a fielder. There's a won't getting chance. Both the batsmen are much settled now. They're using their feet well, picking up the gap regularly and rotating their strike. The 14 more required now. What a sensible batting to be ready on is for a Mumbai. This is a sign for our champions to be very honest. They start charging well. There's a fielder under it. Let's see what they'll scare the fans. Oh no. And finally, stop the ball for a single itself. The ball stopped where they've fallen down. Lofted shot was there from Jayesh Thakkar. The timing was not so perfect, so won't be clear the fence easily. Oh, what a shot once again of sensible batting. What a shot was that from Jayesh. What a perfect shot. Playing in the gap is the skill. और फिर देखा जाए अब ऐसा लग रहा है कि प्रशांत मिठलानी की जो भूमिका देखी है वो उसकी मुद्रा देखिए चेहरे पर मुस्कान हमारे साथी मित्र के चेहरे पर मुस्कान देखिए जैसे नैरो गेज और मीटर गेज और अब ब्रॉड गेज स्माइल देखने को मिलती हुई और नितिन भाई पांडी मैच का लुप्त उठाते हुए ग्रेट वंस अगेन बेहतरीन अदाकारी है चंदे यहां पर यस इज द फेवरेट शॉट फॉर दिस पर्सन जयेश ठाकर इज वेल नोन ऑफ दिस शॉट ही हैप्पीली प्ले सो 67. So score reach on 67 now. Five more required to win the match. The full toss ball won't work for that side. Definitely, when the well set batsman like Jayesh Thakkar charging the ball hard, definitely will punish you. और इसके पश्चात जीतने का जश्न होगा हार की मायूसी होगी और कहीं ना कहीं वो दावेदारी के साथ फाइनल जंग की राहतें हो जाएगी और सौराष्ट्र के सामने किन का टकराव होगा वो भी तय हो जाएगा लेकिन फिलहाल अब चंद रनों की जरूरत है पांच रन चाहिए जीतने के लिए क्या ये धोनी स्टाइल में मैच को जिताएंगे जी हाँ Lot of experience should be done, but no need to be very honest. Wicket should not be given up. That's a motto right over here. Prashant Mithlani, a big smile on his face. This time, once again, charging well. Take to the fielder. And a single on the board. So four more run required to win this match. अब जीतने के लिए मौका और एक चौका जैसे मान लो ये सम्मान है विदर्भ के लिए सम्मान वाला काम हो रहा है अभी लेकिन अब जैसे जीत नजदीक हो चुकी है आउट द ऑफ स्टार वांट टू चार्ज वेल द अंपायर गिव देम वाइट सो मोर थ्री रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच फॉर मुंबई महाराष्ट्र एब्सोल्युटली Clean ball. Jayesh Thakkar the penalty part. Want to sweep the well. Been able to time well. DJ. And the rest of the work. Ball turns towards the tip of. And the wicket throw for Mumbai Maharashtra right over here. Jayesh Thakkar the penalty part. Yeah, Vitlani. New ball, new batsman.
फॉर मुंबई महाराष्ट्र। Definitely, what an innings from Jayesh Thakkar. The spectators as well as the team were giving a long round of applause. The good innings. So three more required for Mumbai Maharashtra to win this match and qualify for the final against Saurashtra. Sensibly played. Loud appeal for LBW. There was a thick nick of a bat. Snehal Utlani on a strike. Pankaj Ganapra, later bit of a tense, I think so. Hello. Take inside Nick towards the leg slip or a dot ball. So now a clear riding on the wall of Mumbai in the match. This time, driven on the full toss, there's a fielder at the long on and. No, my goodness. Because we intend the moment, the celebration comes for Mumbai Maharashtra. The shot clearing the fence very easily. The fielder Vipul trying his best to take the catch, but definitely unable to charge the body. And the legs were touched towards the roof. And finally, the victory comes for Mumbai Maharashtra. And the celebration comes once again. The music, please. And the enjoyment begins for the Mumbai crowd. Well played for the teams, and in the end, winning the match comfortably, Mumbai, right through the finals of the Sri Mohana Mahaparichad Ramat Gamat Samiti, Ayajit Matushri Parvati Ben Narsidas Kathrani, Antarrashtriya Raghuvanshi Cricket Tournament. Back to you, Indresh Bhai.